वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन आर्मी डोगरा रेजिमेंट सेंटर अयोध्या में सिविलियन कुक पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन 27 नवंबर 2022 को ऑफलाइन मोड में कंडक्ट हुआ है। टोटल 16 पोस्ट थी और करीब 3,500 से 4,000 के करीब में कैंडिडेट पहुँचे थे। तो एग्जामिनेशंस में टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस आया था और लेवल क्या था एग्जामिनेशंस का, आपको टोटल मैं रिव्यू देने वाला हूँ। मुझे जितने भी जीके का जेन्युइन क्वेश्चंस मिला है उन सभी को इंक्लूड कर दिया हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जितने भी क्वेश्चंस है ये 100% रियल और ऑथेंटिक्स है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ कि टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 घंटे का टाइमिंग दिया गया था और 0.25 के नेगेटिव मार्किंग भी था, कैंडिडेट बोल रहे थे। ठीक है, अमूमन देखा जाता है कि जो ग्रुप सी सिविलियन का एग्ज़ाम होता है आर्मी का, उसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें जीके के 50, इंग्लिश के 50, बाकी मैथ और रीजनिंग के 25 पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 100 क्वेश्चंस ही पूछा गया था, इस सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए जीके के सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1757 ईस्वी में हुआ था। इसी लेवल के अकॉर्डिंग सभी सिविलियन आर्मी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो। ठीक है, लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, ठीक है, सब में इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार भाई पटेल को कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो आगा खां, नवाब सलीमुल्ला खां और एक थे, उनका आप नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था, कई बार पूछा गया, ये भी याद रखिएगा। ओलंपिक्स पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा कर्णम मलेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गर्म पानी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये कार्बी अंगलोंग असम में स्थित है गर्म पानी अभयारण्य। अब ये पूछा गया था, विद्युत उत्पादन करने वाला प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो ऑप्शंस में कैंडिडेट बोल रहे थे कोयला था, तो ये करेक्ट था। इसके अलावा पानी, पवन, ये सभी क्या है, विद्युत उत्पादन करने का प्राकृतिक स्रोत है। भारतीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा गया, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, सबसे पहले चौड़ाई पूछा गया, फिर लंबाई पूछा गया, तो चौड़ाई और लंबाई पूछा है तो 2:3, अगर लंबाई पहले रहता और फिर चौड़ाई तो 3:2 हो जाता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, पहले चौड़ाई है इसलिए 2 आ गया। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। 11th क्वेश्चन पूछा गया था, पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक कौन सा है, तो काफ़ी फेमस है जैन अवस्था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये कई बार पूछा गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते वाक्य को। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का मेजबान देश कौन है, तो भारत करेगा मेजबानी। तिब्बत से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है, तो प्रमुख नदियाँ सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और भी है, लेकिन इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शंस में होगा। भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता था, तो 1928 ईस्वी में जीता था। और देखिए, ये कैंडिडेट फीफा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे था, कैंडिडेट बता रहे थे, एग्जैक्ट नहीं मालूम चला। अगर ये पूछा गया होगा फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो दोहा कतर आंसर सही था। एक ओएस का मतलब पूछा गया था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। तो ये मुझे जेन्युइन क्वेश्चंस मिला है, बाकी वही मैथ में प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस से, एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चंस पूछा गया था, वो ईजीजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस पूछा गया था, सीरीज से क्वेश्चंस पूछा गया था, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस पूछा गया था। इंग्लिश में थोड़ा सा जो साइनो एंटो का क्वेश्चन था थोड़ा लेंदी था, बट ओवरऑल जो ईजी टू मॉडरेट लेवल का था पेपर। तो आई होप कि आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इसी तरह सभी ग्रुप सी एग्ज़ाम का एनालिसिस देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो सेशन एंड होने के बाद मैं इसका पीडीएफ भी डालूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।